आज का हमारा सवाल है दोस्तों, राइज एंड फॉल मेथड के बारे में। जो डंपी लेवल में जो रीडिंग्स ली जाती हैं, उसके द्वारा जो हमें क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप बहुत आसान तरीके से उसका यूज कर मैं मतलब जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से आप कैसे उसको लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, केवल सवाल देख के ही लोग डर जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है, और 5 नंबर या 7 नंबर का जो भी उनका क्वेश्चन रहता है वो स्किप हो जाता है। आप एक 5-7 मिनट की वीडियो से एक बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट आप रीड कर लेंगे कि आपको ये कैसे लगाना है। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, दी रीडिंग ऑन 3 मीटर ऑफ आरियल 150 मीटर, हमारी रीडिंग्स दी हुई हैं और इसमें कह रहा है शिफ्टेड एट थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग। मतलब जो हमारा डंपी लेवल है वो थर्ड सिक्स्थ और एट्थ रीडिंग पे हमको शिफ्ट कर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, बहुत सिंपल ही है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तो आपका जो आरियल दिया है 150 मीटर दिया हुआ है, तो हमारा आरियल हो गया 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर इसमें कह रहा है कि थर्ड सिक्स्थ एट्थ रीडिंग, तो हम इसको काउंट कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हमारी हो गई थर्ड रीडिंग, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये हमारी सिक्स्थ रीडिंग हो गई, सेवन्थ एट्थ। तो ये जो 3 रीडिंग है ये हमारा शिफ्टेड रीडिंग है। इन जगहों पे हमारी जो डंपी लेवल का जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारा जो ये क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फिल होगा। इसको हम देखते हैं इसको करेक्ट ऑर्डर में कैसे फिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारी पहली रीडिंग होगी इसको हम बैक साइड रीडिंग कहेंगे। तो हमारा ये नंबर कॉलम पे यहाँ पे फिल होगा 0.945। फिर सेकंड रीडिंग है 2.65। दोस्तों, जो बैक साइड रीडिंग होती है और जो फोर साइड रीडिंग होती है उसके बीच के जितने भी रीडिंग्स रहेंगे वो इंटरमीडिएट साइड में आएंगे। तो जैसे ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, सेकंड रीडिंग आएगी 2.645। अब भी हमारा हो गया फोर्थ साइड रीडिंग, ये फोर्थ साइड रीडिंग आएगी हमारी यहाँ पे 2.830। अब दोस्तों, जो फोर साइड की रीडिंग होती है उसके बाद जो पहली रीडिंग होती है ये हमारी बैक साइड रीडिंग होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो हमारी रीडिंग आएगी वो शिफ्ट होके बैक साइड रीडिंग होगी। तो बैक साइड रीडिंग होने की वजह से इसको यहाँ नोट डाउन करेंगे 0.025। फिर नेक्स्ट रीडिंग हमारी दोस्तों इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हो जाएगी 1.530। उसके बाद की दोस्तों रीडिंग है हमारी सिक्स्थ रीडिंग, जहाँ पे हमारा डंपी लेवल शिफ्ट हो रहा है, तो उस रीडिंग को हम फोर्थ साइड में लिखेंगे 1.965, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने बताया कि बैक साइड रीडिंग जहाँ हमारा डंपी लेवल शिफ्ट हो रहा है उसके बाद की रीडिंग जो होगी वो हमारी बैक साइड रीडिंग होगी। तो हम इसको यहाँ पे इस कॉलम में नोट डाउन करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ हम देख रहे हैं, फिर यहाँ पे उसके बाद भी हमारा पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, एक एट रीडिंग पे शिफ्ट हो रहा है। तो इस रीडिंग को हम इंटरमीडिएट साइड में ना लिख के वापस फोर्थ साइड की रीडिंग में लिखेंगे 2.905। देन अगेन दोस्तों, उसके बाद आप जैसे मैंने बताया फोर्थ साइड रीडिंग के बाद की जो रीडिंग होगी वो हमारा बैक साइड रीडिंग होगी। तो ये हमारे इस कॉलम में नोट डाउन होगी। देन अगेन अब ये हमारा लास्ट रीडिंग बच रहा है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो हमारी लास्ट की जो मेन मतलब जो लास्ट वाली रीडिंग होगी वो हमेशा फोर्थ साइड रीडिंग होगी। तो फिर दोस्तों, ये जो लास्ट वाली रीडिंग है वो यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगी 8.850। तो दोस्तों, जो हमारे ये 3 कॉलम मेन कॉलम होता है, ये हमने इस दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग इसको फिल कर लिया। अब दोस्तों, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें बोला है 3, 6, 8 रीडिंग, ठीक है। अगर ये शिफ्ट रीडिंग और अधिक होती है, जैसे मान लीजिए थर्ड है, यहाँ पे एट्थ है, फिर इसको 12th रीडिंग दी हुई, आपकी रीडिंग संख्या ज़्यादा दी हुई है, तो जो पहली रीडिंग रहेगी और जो शिफ्टेड रीडिंग रहेगी उसके बीच के जितने भी नंबर्स दिए रहेंगे वो आपकी इंटरमीडिएट साइट में फिल होंगे, ठीक है दोस्तों। वो मैटर नहीं करता है कि उन नंबर्स कितने हैं, बस जो भी रहेंगे सब इंटरमीडिएट साइट में फिल होंगे। अब दोस्तों, इनका यूज करके हम राइज एंड फॉल निकालेंगे, उसके बाद आरियल निकालेंगे। इसका सही करेक्शन वे आपको कुछ करना नहीं है, जिस ऑर्डर में आपने इसको फिल किया उसी ऑर्डर में इसको घटाते हुए चलेंगे। तो जैसे मैंने बैक साइड रीडिंग लिखी है, तो इसको इंटरमीडिएट साइड रीडिंग से इस रीडिंग से हमारा माइनस होगा, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.700 समथिंग।
ठीक है, यही ट्रिक मतलब यही सीक्वेंस आगे अपनाते चलेंगे। इंटरमीडिएट साइड को फोर साइड से घटाएंगे, जब इसको यहाँ पे घटाएंगे रीडिंग आएगी 0.185। अब दोस्तों लोग यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, अभी जैसे मैंने बैक साइड को इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट को फोर्थ साइड से घटाया, तो जो भी रीडिंग हमको आई वो माइनस में प्राप्त हुई, इसलिए हमने इसको फॉल के कॉलम में लिखा। ठीक है, अब जैसे फोर्थ साइड पे जो आके लास्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो ये रीडिंग हम यहीं पर ला के छोड़ देंगे। अब इसको इस बैक साइड से नहीं घटाएंगे, अब इसको वापस बैक साइड से शुरू करेंगे, फिर इस रीडिंग को इस रीडिंग से माइनस करेंगे। तो जब इस रीडिंग में से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0.325। फिर इस रीडिंग को हम इस रीडिंग से माइनस करेंगे, फिर हमको मिलेगा 0.435। अभी जैसे मैंने बताया, फिर इस रीडिंग को इस रीडिंग से माइनस करेंगे, तो ये लगभग हमको मिलेगा 0.680। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर इस वाले को इस वाले से माइनस करेंगे, तो ये हमारा रीडिंग प्लस में आएगा, तो इस रीडिंग को इस राइस वाले कॉलम में लिखेंगे 0.150। ठीक है दोस्तों, आपको एक बार मैं फिर समझाता हूँ, जो बैक साइड की रीडिंग होगी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग से घटते हुए नीचे की क्रम में माइनस से प्लस होगी, तो यहाँ से इसको जब हम माइनस मतलब घटाएंगे तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो हम इसको फाल के कॉलम में लिखेंगे, फिर इंटरमीडिएट साइड को फोर साइड से घटाएंगे, फिर जो रीडिंग आएगी फाल से में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों जब हम ये फोर साइड की रीडिंग जो हमारी लास्ट रीडिंग रहेगी, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम फोर साइड से घटा के फोर साइड का यूज़ करके वो बैक साइड में घटा के रीडिंग लिखेंगे तो आपका सवाल पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो हम इसको इस कॉलम से वापस यहाँ से इस कॉलम से जो बैक साइड की रीडिंग भरें, फिर यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे बैक साइड को इंटरमीडिएट साइड से, फिर इंटरमीडिएट साइड को फोर साइड से घटाएंगे। और फिर ये देखिए इंटर फोर साइड पे ख़त्म हो रहा है, फिर इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, फिर बैक साइड की जो रीडिंग है उसको यहाँ फोर साइड की रीडिंग से घटाएंगे, फिर जो हमारा यहाँ पे आएगा यहाँ पे उसको भर लेंगे, फिर बैक साइड को वापस फिर हम इंटरमीडिएट फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड से घटाएंगे। तो जब रीडिंग जो आएगी हमारी प्लस में आ रही, तो इसको हमने इस कॉलम में फिल कर लिया। अब दोस्तों आगे हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमारी रीडिंग आई हुई है उसको आरियल में से घटाएंगे या प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 150 है तो इसमें देखिए माइनस हुआ है, तब ये इसमें से माइनस होगा, तो पहली रीडिंग इसकी आएगी लगभग 148.300। फिर ये अगेन माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 148.115। फिर ये अगेन माइनस हो जाएगा इसमें से 1.47.790। फिर यहाँ तक अगेन माइनस होगा 147.355। फिर यहाँ अगेन माइनस होगा 146.675। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों फॉल की जगह राइज हुआ है, तो ये जो क्वांटिटी है ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.46.830। तो दोस्तों ये हमने अपना डाटा फिल कर लिया है। अब इसकी मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटेड डाटा है या सवाल जो हमने लगाया है वो सही है कि गलत है। तो दोस्तों उसके लिए एक आता है, एक इक्वेशन आता है, उसको कहते हैं अरिथमेटिक चेक, ARITH, अरिथमेटिक चेक। ठीक है दोस्तों, इसको तीन तरीके से हम चेक कर सकते हैं, जैसे सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इक्वल टू सिग्मा राइस माइनस सिग्मा फॉल इक्वल टू लास्ट आरियल माइनस फर्स्ट आरियल। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेते हैं, जो 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 चीज़ हमको चाहिए, जैसे सिग्मा बी एस पूछ रहा है, तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, तो इनका दोस्तों जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग 6.380, और हमको चाहिए क्या, फोर साइड। फोर साइड को हम दोस्तों जोड़ लेंगे, आएगा 0.9.550। ठीक है दोस्तों, तो बैक साइड की जो हमारा
सिग्मा है वो होगा 6.380, माइनस इंटरमीडिएट का साइड का हो जाएगा, फोर साइड का हो जाएगा 9.550। फिर दोस्तों हमको हम बोल रहा है राइज एंड फॉल, तो राइज का आप दोस्तों एक लौती वाली हो है तो इसको आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको जोड़ने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है, 1.55। अब फॉल में जो रीडिंग्स हैं उनको जोड़ लेंगे दोस्तों, वो आ जाएगा हमारा 3.325 इक्वल टू लास्ट आरियल माइनस फर्स्ट आरियल। लास्ट आरियल हमारा दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा, फर्स्ट आरियल आपका 150 दिया हुआ है, तो 146.830 माइनस 150। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम घटा लेंगे, तो घटाने के बाद हमारी जो रीडिंग आएगी ये लगभग आएगी -3.170, ये रीडिंग भी आएगी -3.170, ये भी रीडिंग आएगी -3.170। तो इसका मतलब जो दोस्तों हमने जो सवाल लगाया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस सवाल में आपको पूछा जाता है रिमार्क्स, ठीक है, तो इसमें जो चेंजिंग पॉइंट आपको नोट डाउन करना रहता है तो उसमें बहुत दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता, पर जैसे हमने जो चेंजिंग पॉइंट यूज़ किया, जैसे मतलब जो हमने FS का यूज़ किया है तो वही हमारा चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा। जैसे चेंजिंग पॉइंट फर्स्ट ये हो गया, ये आपका सेकेंड चेंजिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा चेंजिंग पॉइंट थर्ड हो गया। उसके अलावा इसमें आपको उसमें कुछ फिल नहीं करना रहता है। अर्थमेटिक चेक करने के लिए आपको सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS इक्वल टू सिग्मा राइस माइनस सिग्मा फॉल इक्वल टू लास्ट आरियल माइनस फर्स्ट आरियल, ये आपको सूत्र याद करना होगा अर्थमेटिक चेक का। इसके द्वारा जब भी आप ये डाटा फिल करेंगे आपको इसकी आवश्यकता सही पड़ेगी कि आप जो आपने जो चार्ट बनाया है वो करेक्ट है या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।